नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 का मैच नंबर 9 खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और सनराइज हैदराबाद के बीच। यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में बड़े बदलाव दोनों टीमों में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार डेविड वार्नर और रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में क्या क्या बड़े बदलाव किए हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे मैच की पिच रिपोर्ट और साथ ही साथ दोनों टीमों के बीच में से किस टीम का पलड़ा है पारी, यानी कि इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखते रहे वीडियो को पूरा आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट की इसी तरह की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही साथ आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले को जीते तो कर दीजिए वीडियो को दिल से एक लाइक। तो दोस्तों, दोनों टीमें आईपीएल 2021 में अपने दो दो मुकाबले खेल चुकी है। हम बात करें मुंबई इंडियंस की तो दो मुकाबलों में से इन्हें एक मुकाबले में जीत मिली है जबकि एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार मिली थी वो पहला मुकाबला था, इसके बाद दूसरे मुकाबले में इस टीम ने शानदार वापसी करते हुए केकेआर के हाथ से जीत छीन ली थी और एक बार फिर पूरी तरह से तैयार है आईपीएल 2021 में अपना जलवा दिखाने के लिए, क्योंकि अब इनके जीत का रंग इस टीम को चढ़ चुका है। और जब मुंबई इंडियंस एक बार मुकाबला जीतती है तो इसके बाद उन्हें हराना आसान नहीं होता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ सनराइज हैदराबाद की बात करें तो सनराइज हैदराबाद अपने दो मुकाबले खेल चुकी है लेकिन दोनों मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक समय तक ऐसा लग रहा था कि ये टीम दोनों मुकाबले बड़े आसानी से जीत जाएगी, लेकिन आखिरी के ओवरों में खराब बल्लेबाजी के चलते ये टीम दोनों मुकाबले हारी है। यानी कि गेंदबाजों ने इस टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया लेकिन बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई है, जिसके चलते शुरुआती दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है एक बार फिर सनराइज हैदराबाद। वहीं पर दोस्तों, अब तक आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच मुकाबले काफ़ी कड़े टक्कर के देखे जाते हैं। अब तक हुए दोनों टीमों के बीच 16 मुकाबलों में से दोनों टीमों ने 8-8 मुकाबले जीते हैं, यानी कि इन दोनों टीमों के बीच बड़ी टक्कर के मुकाबले रहते हैं। वहीं पर पिछले साल के मुकाबलों की बात करें तो पिछले साल 2020 में भी दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले हुए थे और एक एक मुकाबला दोनों टीमों ने जीता था। वहीं पर इसके अलावा 2019 में जब दोनों टीमों के बीच मुकाबले हुए तो दोनों मुकाबलों में मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी थी, यानी कि मुंबई इंडियंस को लगातार कड़ी टक्कर देती हुई आ रही है सनराइज हैदराबाद, जिसके चलते यहाँ पर दोनों टीमें इस समय बराबरी पर खड़ी हुई है 8-8 जीतों के साथ। लेकिन अब एक बार फिर इन दोनों टीमों के लिए बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर इस मुकाबले में, क्योंकि जहाँ एक तरफ हैदराबाद अपने दो मुकाबले हार चुकी तो वहीं पर मुंबई इंडियंस एक मुकाबला जीत चुकी है, एक मुकाबला हार चुकी है। तो इस मुकाबले में बहुत ही रोमांच देखने को मिलने वाला है। वहीं पर अब टॉस और पिच के बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, टॉस की बात करें तो अब तक सनराइज हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर दो मुकाबलों में दो टॉस जीत चुके हैं, लेकिन इनकी किस्मत खराब रही कि इन्हें दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं पर एक तरफ मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा दो में से दो ही टॉस हारे हैं और मुकाबला इन्हें एक हारा और एक जीता है, यानी कि टॉस उतना महत्व नहीं करता कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पर पहले गेंदबाजी का फैसला लेना पसंद करेगी। लेकिन पिछले दो मुकाबलों में देखा गया है कि यहाँ पर चेस करने वाली टीम के लिए एक आसान मुकाबला भी आखिरी 5 ओवरों में काफ़ी मुसीबत भरा रहता है, जिसके चलते यहाँ पर रन चेस उतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी, लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 160 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया तो यह मुकाबला बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए जीतना उतना ही मुश्किल हो जाएगा चेन्नई के इस मैदान पर। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में और उनके खतरनाक खिलाड़ियों के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सनराइज हैदराबाद के बारे में, क्योंकि सनराइज हैदराबाद जिस प्लेइंग 11 के साथ उतर रही है उससे अब तक वो दो मुकाबले हार चुकी है, तो इस मुकाबले में वो बड़े बदलाव करना चाहेगी। लेकिन दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं इस टीम के कुछ खास खिलाड़ियों की जो इस समय अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो उनमें डेविड वार्नर और मनीष पांडे के साथ साथ जॉनी बेयरस्टो का नाम आता है। ये तीनों खिलाड़ी बल्लेबाजी में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पूरी तरह से पूरी टीम के बल्लेबाजी फ्लॉप नजर आ रही है। यानी कि सबसे बड़ा हार का कारण अब तक दोनों मुकाबलों में इस टीम के आखिरी 5 ओवर में बल्लेबाजी का रहा है, वहां पर बल्लेबाज उतनी तेजी से रन नहीं बना पाए हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम बात करें इस मुकाबले की तो यानी कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी के तौर पर एक बार फिर रिद्धिमान शाह और डेविड वार्नर ही उतरने वाले हैं और उम्मीद है कि दोनों खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी करेंगे। डेविड वार्नर ने तो अपने पिछले मुकाबले में शानदार 8 शतक जमाया था। तो वहीं पर नंबर 3 पर मनीष पांडे उतरने वाले हैं जो कि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्हें अपनी स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करना होगा और थोड़ी आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। तो वहीं पर नंबर 4 पर टीम की तरफ से जॉनी बेयरस्टो उतरने वाले हैं। इसके बाद नंबर 5 पर केन विलियमसन हमें खेलते हुए दिखेंगे जेसन होल्डर की जगह पर। तो नंबर 6 पर विजय शंकर की जगह पर हमें खेलते हुए दिखेंगे अभिषेक शर्मा। इसके
बाद नंबर 7 पर अब्दुल समद दिखेंगे तो नंबर 8 पर राशिद खान दिखने वाले हैं। वहीं पर नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार दिखेंगे तो नंबर 10 पर टीम की तरफ से शाहबाज नदीम दिखने वाले हैं और साथ ही साथ नंबर 11 पर टीम नटराजन दिखेंगे। यानी कि टीम अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए जेसन होल्डर की जगह पर केन विलियमसन को शामिल करेगी, तो वहीं पर विजय शंकर की जगह पर अभिषेक शर्मा शामिल होंगे जो बेहतरीन गेंदबाजी भी कर सकते हैं। यानी कि कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर हमें इस टीम में देखने को मिले हैं, लेकिन गेंदबाजी इस टीम की पहले से ही काफ़ी मजबूत है क्योंकि टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान तीन बेहतरीन गेंदबाज मौजूद है। इसके अलावा शाहबाज नदीम शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं और अभिषेक शर्मा भी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी कर सकेंगे। यानी कि टीम के पास पूरी गेंदबाजी लाइनअप मौजूद रहेगी इन बदलावों के बाद भी, और टीम यहां पर काफ़ी मजबूत भी नजर आएगी बल्लेबाजी में। वहीं पर मुंबई इंडियंस की बात करें दोस्तों, तो मुंबई इंडियंस के लिए अब तक आईपीएल 2021 में बल्लेबाजों ने उतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है, लेकिन गेंदबाजी बड़ी कमाल की हुई है इस टीम की। पिछले मुकाबले की बात करें इस टीम की तो आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 31 रनों की जरूरत थी केकेआर को, लेकिन वहाँ से खतरनाक गेंदबाजी के दम पर मुंबई इंडियंस ने इस मैच का पासा पलटा और 10 रनों से एक बेहतरीन जीत दर्ज की। यानी कि इस टीम के पास गेंदबाजी में बहुत ताकत मौजूद है, जिसमें ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और राहुल चेहर जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। तो बल्लेबाजी में वैसे इस टीम के पास अच्छी खासी दमदार बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन ये आखिरी ओवरों में टीम मैच को उस तरह से फिनिश नहीं कर पा रही है। जहाँ तक बात करें हम पिछले 2 मुकाबलों की, तो एक मुकाबले में आखिरी 5 ओवर में 31 रनों पर इस टीम ने 6 विकेट गंवाए हैं जो इनका पहला मुकाबला था, तो वहीं पर दूसरे मुकाबले में टीम ने आखिरी 5 ओवर में 38 रनों पर 7 विकेट गंवाए थे। लेकिन अब इस मुकाबले में इस टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर क्विंटन डीकॉक और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। रोहित ने पिछले मुकाबले में 43 रनों की पारी खेली, वो क्रीज पर जमे भी थे, लेकिन आखिरी जब पारी को तेज तरार रन बनाने की तब वो पेवलें लौट गए तो क्विंटन डीकॉक उतना कुछ खास नहीं कर पाए। तो वहीं पर नंबर 3 पर टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव उतरने वाले हैं जिन्होंने बेहतरीन 68 पारी खेली थी। तो वहीं पर नंबर 4 पर ईशान किशन उतरेंगे जिनका बल्ला पिछले मुकाबले में खामोश रहा था, ईशान किशन सिर्फ 1 रन बनाकर पेवलें लौटे थे। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या उतरने वाले हैं। पांड्या का परफॉर्मेंस भी अब तक के 2 मुकाबलों में बल्ले से कुछ खास नहीं रहा। पिछले मुकाबले में तो वो 17 गेंदों पर मात्र 15 रन ही बना पाए। तो वहीं पर कायरन पोलार्ड उतरेंगे नंबर 6 पर, इनका भी परफॉर्मेंस 2 मुकाबलों में कुछ खास नहीं रहा। तो वहीं पर कुणाल पांड्या का परफॉर्मेंस भी बल्ले से कुछ खास नहीं रहा। यानी कि इन तीनों खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन टीम के लिए चिंता का विषय जरूर है क्योंकि पिछले 2 मुकाबलों में बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई है मुंबई इंडियंस। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 8 पर उतरेंगे मार्को जेनसन, तो नंबर 9 पर राहुल चेहर उतरने वाले हैं। इसके बाद नंबर 10 पर उतरेंगे जसप्रीत बुमराह, तो नंबर 11 पर ट्रेंट बोल्ट उतरने वाले हैं। यानी कि टीम के पास अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बैटिंग लाइनअप मौजूद है, लेकिन फिलहाल इनके ऑलराउंडर खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के ऊपर ही तय करेगी कि टीम कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी। वहीं पर दोस्तों मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो इस मुकाबले में सनराइज हैदराबाद के ऊपर थोड़ा सा पलड़ा भारी रहेगा मुंबई इंडियंस का, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास बल्लेबाजी थोड़ी मजबूत है सनराइज हैदराबाद से। आपकी प्रेडिक्शन क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।